हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। तो टाइम हो रहा है सुबह के 10 और चलते हैं आज कैलगरी के सबसे बड़े मॉल में, विच इज श्नोक, और वो डाउनटाउन की तरफ ही है जो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था, तो उधर ही लोकेटेड है। तो उधर यार सारे आपको बिगेस्ट ब्रांड मिल जाएंगे, तो चलते हैं और आपको भी दिखाते हैं कि कैलगरी का बड़ा मॉल कैसा दिखता है। तो गाइस चलते हैं मॉल की तरफ, और अगर आपको पीछे देख रहा हो तो मौसम यार कैसे येलो हो रहा है। आपको दूसरे कैमरे से दिखाता हूँ, शायद इससे अच्छा ना दिख रहा हो। दिख रहा है आपको, सारा येलोइश हुआ पड़ा है बिकॉज एडमिंटन साइड ना आग लगी थी, अभी भी है, अभी भी अनकंट्रोल्ड आग। तो आज हवा काफ़ी चल रही थी तो उसकी वजह से सारा कैलगरी भी ऐसा हुआ पड़ा है। सूरज है बट मौसम प्रॉपर ऐसे हुआ पड़ा है, मतलब ऊपर धुआं ही धुआं है सारा। आ गए हम श्नोक सेंटर में, तो यहाँ पे एक्सप्लोर करते हैं, किस किस तरफ चलते हैं। सो आज का पहला स्टोर, आपको अपनी आउटफिट दिखा देता हूँ आज की, लेट मी नो हाउ आई लुक। आप देख सकते हो इधर आपको सारे बड़े से बड़ा ब्रांड मिल जाएगा। आ गए हैं एप्पल पे। यार मैं काफ़ी देर से मैकबुक लेने का सोच रहा था, तो मैंने कहा ट्राई करते हैं कि कौन सी अपने काम के लिए फिट बैठती है। मुझे तो आज के टाइम में सबसे अच्छी मैकबुक एयर लगती है बिकॉज इट्स स्लिम एंड इजी टू कैरी। बट देखते हैं, एक्सप्लोर करते हैं कि कौन सी हमारे काम के हिसाब से और स्पेसिफिकेशंस किसकी बढ़िया है। तो इसमें से ही मैं कोई पसंद करूंगा यार, ये वाला न्यू स्क्रीन स्टाइल है ना, ये पुरानी स्टाइल है। बट इसके आई थिंक जो स्पेसिफिकेशंस है वो नहीं मुझे सेट बैठ रही, क्योंकि वो मुझे ऑर्डर करनी पड़ेगी अगर मैं मॉडिफाई करता हूँ। तो देखते हैं, इनसे बात करते हैं कि कितने टाइम में ये मुझे ऑर्डर करके मंगवा देंगे। तो आ गए हैं स्टोर से बाहर, पूछा था यार उनसे, बट वो कह रहे हैं आपको जैसी भी स्पेसिफिकेशंस चाहिए आप ऑनलाइन चेक कर सकते हो। वैसे तो मैंने उनको बता दिया था वो 10 से 15 दिन ले रहे हैं, बट हाँ देखते हैं, मैं ऑनलाइन ऑर्डर करूँगा घर पे जाके अपनी, भाई मैनू मुझे कितनी स्पेसिफिकेशंस चाहिए, क्या है क्या नहीं, तो मैं घर पर जाके ऑर्डर करूँगा। आज एक नया एक्सपीरियंस करने, आपको भी दिखाता हूँ कैलगरी में वो जगह, तो चलो। करते हैं सरप्राइज रिवील। तो आ चुके हैं हम कैलगरी के शूटिंग सेंटर में, तो आज चलाएंगे गन्स, तो दिखाते हैं कौन सी गन्स सेलेक्ट करते हैं और कौन सी हम चलाते हैं। तो आपको इधर वैरायटी ऑफ गन्स की ऑप्शंस मिल जाएंगी, तो सारा यार अलाउड नहीं है वाइड कैमरे में आपको सारा स्टोर दिखाना, तो मैं कुछ कुछ शॉट्स ऐसे डाल दूंगा आप वीडियो में। जो ये आप देख रहे हो तो ये रियल स्कैना, एंड आप उधर भी जो देख रहे हो सारे रियल है, मतलब मार के उनको रखा हुआ। दे दिए हेडसेट और सेफ्टी ग्लासेस मैंने लगा लिए, तो 3 गन्स सेलेक्ट किए हैं, तो आपको अंदर चल के दिखाता हूँ जब हम ट्राई करेंगे उनको। सो ये भी उन्होंने दिया, तो इस पर हम शूट करेंगे, तो देखते हैं लास्ट में कौन जीता। हम जा रहे हैं, we'll be right back.
शॉर्ट्स है बरेटा के साथ जो मैंने लगाए। ये कुछ शॉट्स हैं SG-60 के साथ जिसमें 9mm की गोली पड़ती है जो यूजुअली अपने पुलिस वालों के पास होती है 9mm की पिस्टल। सो दिस वाज रियली अ प्रीटी हैवी गन देन द बरेटा। सो दिस इज बरेटा। अब हम ट्राई कर रहे हैं दिस वन द ग्रीन वन। इसका नाम है टवार। तो ये ट्राई करेंगे और एक और गन ट्राई करने का सोचा है। तो वो अभी इधर थी तो उसने वो पैक करने लग गया बिकॉज वो हम ट्राई करेंगे। तो वो है शॉर्ट पंप गन। तो यहाँ थी तो ये तो ट्राई करेंगे और एक ये मैग्नम 357 मैग्नम देखिए ट्राई करेंगे। सो तीन गन्स हम ट्राई करने लगे हैं। तो इधर वैरायटी ऑफ ऑप्शंस है तो आप कोई भी ख़रीद सकते हो। बट हाँ, कनाडा में ये रूल है कि आपको फायर आर्म का लाइसेंस बनवाना पड़ेगा पहले, तभी आप ये कैरी कर सकते हो। नहीं तो हाँ, इधर आके ट्राई कर सकते हो शूटिंग रेंज में। उसके लिए आपको कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, तो दैट्स अ रियली गुड थिंग। जैसे मैं आपको बता रहा था कि आप इधर आ सकते हैं शूटिंग रेंज ट्राई कर सकते हैं। बट हाँ, जैसे हम अमेरिका में हमको कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, तो हम आप लाइक ले खरीद सकते हैं कुछ भी, कोई भी गन राइट जाके। तो इधर हाँ, इधर रूल्स है, आपको सिर्फ तभी गन ये बाय करने देंगे जब आपके पास फायर आर्म्स का लाइसेंस होगा। तो और कुछ नहीं है बाकी। अगर आपका शौक है तो आप इधर आके वैरायटी ऑफ गन्स जो इनके पास होती हैं उनको आप ट्राई कर सकते हो, तो अपना मज़ा ले सकते हो जैसे हम अब आए हैं। बाकी आपको गन्स वगैरह की सारी एसेसरीज मिल जाएंगी, तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आपको चाहिए तो ये देख सकते हो। स्कोप्स मैंने, मतलब मैं पहली बार आया हूँ तो मैंने पहली बार इतनी बड़ी बड़ी स्कोप्स देखी हैं। ये वाली नॉर्मल स्कोप्स है बट ये काफ़ी एक्सपेंसिव है। बट हाँ, अगर आपको चाहिए अपने गन्स के लिए तो ये आप कैरी कर सकते हो, मतलब ख़रीद सकते हो। अगर इवन आपके पास फायर आर्म्स का लाइसेंस भी नहीं है तो ये आप ख़रीद सकते हो। इसके लिए कोई लाइसेंस नहीं चाहिए, कोई भी एसेसरी है तो। हाँ, एमिनेशन और फायर आर्म्स ख़रीदने के लिए आपको लाइसेंस होना ज़रूरी है। तो जैसे आप देख रहे हैं, इनमें से कोई भी फायर आर्म खरीदने के लिए आपको लाइसेंस ज़रूरी है। बट हाँ, आप इनके पास इनमें से कुछ ऑप्शंस होते हैं, बट बढ़िया वाली ऑप्शंस होती हैं, तो आप उनमें से वो ट्राई कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको दिखाया कि हम कौन सी ट्राई कर रहे हैं, पहले वाली की वीडियो नहीं बनाई, तो अब जो ट्राई कर रहे हैं तो उनकी मैंने परमिशन लेके वीडियो बना लिया। तो हाँ, आप जब भी यार ऐसी किसी शॉप में एंटर करते हो, परमिशन लेना कंपलसरी है बिकॉज इनके रूल्स होते हैं राइट, तो इनकी प्राइवेसी कंसर्न्स के लिए तो वो ज़रूरी है। तो इधर थोड़ी बहुत ही कैप एसेसरीज भी है, टी शर्ट्स भी आपको मिल जाएंगी, ये एसेसरीज भी है अगर आपको परचेज करनी है तो। ये बॉडी आर्मर भी मिल जाएंगे जो हमने आर्मी वालों के पुलिस और मूवीज़ या गेम्स में देखे हैं। तो मैं तो यार ये पहली बार
रियल में देख रहा हूँ। सो दीज आर सम पिस्टल्स, आपको पिस्टल्स की भी वैरायटी मिल जाएगी यहाँ पे। सो दीज आर द गन्स वी आर ट्राइंग टुडे। तो ये कुछ शॉट्स हैं मैग्नम के साथ। सो वी आर डन विद द शूटिंग, चलते हैं घर की ओर। थक गए यार आज, बट मज़ा बहुत आया, काफ़ी भूख लग गई थी यार, तो बॉस्टन पिज़्ज़ा आ गए ये खा के फिर चलते हैं घर को। सबका मन किया है थोड़ी गेम्स खेलते हैं, तो आ गए हैं इधर कैलगरी में द रेक रूम करके, आ जिधर आपको ये सारी गेम्स दिख जाएंगी। तो काफ़ी ज़्यादा गेम्स है, आप देख सकते हैं बाइक्स, मतलब ऑलमोस्ट यार इधर ये सारी गेम्स मिल जाएंगी। तो ऐसा नहीं है कि ये बच्चों के लिए, ये सिर्फ किसी भी एज ग्रुप का इंसान खेल सकता है। इसी के साथ करते हैं इस वीडियो को एंड। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट ब्लॉग्स। बाय बाय।